Today we are going to start the first chapter of the geography, the resources. In the whole class 8, we are going to learn about the different types and the basics of the resources and many more things related to the resources. And the first chapter is about what is resource, the basic classification, and what does it mean. So we are going to start. So the first question that arises in our mind is, what is resource? A resource is anything which can satisfy our needs. अगर किसी चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है और उस ज़रूरत को कोई भी चीज़ पूरा कर देता हो तो वो वस्तु रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है या उसको रिसोर्स मान सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं, तो हमारी प्यास को पानी ने बुझाया, तो पानी इज़ अ रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी रिसोर्स है। अगर हम लोग बोर्ड होते रहते हैं तो हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो दैट इज़ अ नीड एट अ सर्टेन टाइम और वो उसको पूरा करता है। तो फ़ोन और इंटरनेट भी एक तरह से रिसोर्स हुआ। और रिसोर्स, हर रिसोर्स के पास एक यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है ना, हम लोग किसी चीज़ को यूज करते हैं या किस तरीके से यूज करते हैं या किस समय पे यूज करते हैं, डैट इज़ द यूजिबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और हर रिसोर्स का एक यूटिलिटी होता है और हर रिसोर्स एक वैल्यू एडिशन करता है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि उसके पास हर रिसोर्स का एक वर्थ होता है, उसका एक वैल्यू होता है, चाहे वो वैल्यू इकोनॉमिक हो, चाहे वो वैल्यू एस्थेटिक हो या किसी तरह का वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। हमारे बहुत सारे नीड्स को रिसोर्स सेटिस्फाई करता है, चाहे वो नीड फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। क्योंकि फिजिकल, जैसे हम लोगों को पानी पीना था तो फिजिकली हम लोगों ने पानी पी लिया, मेंटली हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन का यूज कर लिया और हम लोग बोर होने से बचे या उसके बोर हो रहे थे इसीलिए उसका यूज किया। इमोशनली वी कैन यूज़ अ रिसोर्स टू, जैसे हम लोग दुखी थे तो हम लोगों ने कोई हंसने वाला चीज़ देखा तो डैट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स फॉर टू सेटिस्फाई आवर इमोशनल नीड्स। तो हम लोग और हम लोग भी खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हमारे ही आइडिया, नॉलेज और जो हम लोगों ने डिस्कवरीज किए हैं उससे बहुत सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीपल आर ऑल्सो रिसोर्सेज। तो हम लोग एक वर्ड समझते हैं, पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि अगर कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो उसमें उस चीज़ का पेटेंट कराया जाता है कि ये चीज़ मेरे मर्जी के बगैर कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो इसे पेटेंट कहते हैं। तो रिसोर्स और टाइम एंड टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के वजह से ही रिसोर्स का क्रिएशन होता है, क्योंकि वो सब्सटेंस तो बहुत सालों से, हजारों सालों से पृथ्वी पे है, लेकिन हम लोग टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो हम लोग उस सब्सटेंस को एज ए रिसोर्स यूज कर पाते हैं। जैसे जब तक फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट एफिशिएंटली, द कोल, द वुड एट्सेट्रा, क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था। जब फायर का डिस्कवरी हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फायर का डिस्कवरी हुआ। फायर का डिस्कवरी हुआ तो हम लोगों को खाना बनाना सीख गए और उसके लिए लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। तो लकड़ी तो बहुत सालों से पृथ्वी पे थी लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। वो सब्सटेंस तो बहुत सालों से पृथ्वी पे था लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा था। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, टाइम आगे बढ़ा, जब फायर का डिस्कवरी हुआ तो वो लकड़ी रिसोर्स बन गया। जैसे कि व्हील, व्हील तो
व्हील क्या किस चीज़ का, गांव में लकड़ी का ही व्हील बनता है, तो लकड़ी बहुत सालों से था, लेकिन जब व्हील बना, नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जो कि हम लोग यहाँ पे व्हील को मान रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का एक नया जरिया हो गया वो, और वो एक रिसोर्स बन गया। और एक एग्जांपल है कि पानी करोड़ों सालों से पृथ्वी पे है, लेकिन उसका पीने के अलावा हम लोगों को और कोई इस्तेमाल नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हम लोगों ने पानी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना सीख लिया। तो सब्सटेंस तो वाटर तो बहुत सालों से था, लेकिन वो रिसोर्स तब बना जब उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखा। और वो कब हो पाया, जब टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य तो करोड़ों सालों से पृथ्वी पे रोशनी दे रहा है, लेकिन हम लोगों को उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं पता था। हाँ, पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं उसका अपना खाना बनाने के लिए। हमारे बॉडी में भी कुछ विटामिन डी और एसेंशियल विटामिन्स मिलते हैं सूर्य की किरणों से, लेकिन हम लोगों ने जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो हम लोगों ने उससे एनर्जी बनाना सीख लिया। तो सूर्य भी एक रिसोर्स बन गया आज के डेट में, सोलर एनर्जी भी एक रिसोर्स बन गया, जब वो तो था बहुत सालों से, लेकिन वो रिसोर्स तो अभी बना। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्स बनते हैं, भले ही वो सब्सटेंस बहुत सालों से है, लेकिन हर चीज़ रिसोर्स नहीं होती है जब तक उसका कोई यूटिलिटी ना हो, जब तक वो हमारे किसी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता हो। जैसे हम लोग फ़ोन में भी दे सकते हैं, सबके पास स्क्रीन टच फ़ोन होगा। टच फ़ोन में बहुत लोग कम लोग जानते होंगे कि हमारे हाथ से छूने पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उससे स्क्रीन टच काम करता है। जैसे कि आप ट्राई करना कि पेंसिल से अगर स्क्रीन टच पे कुछ करोगे तो वो आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन वहीं हाथ से करोगे तो वो स्क्रॉल डाउन या बंद चालू या जो भी स्क्रीन टच काम करेगा अपना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो 100 सालों से है, लेकिन हम लोगों ने ये कुछ दिन पहले ही सीखा, कुछ सालों पहले ही सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के हम लोग ऐसा कुछ टच जैसा चीज़ बना सकते हैं। तो ये भी एक नया रिसोर्स क्रिएट हुआ। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे सोलर एनर्जी, टच स्क्रीन, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो खाना हम लोग बनाते हैं, सब चीज़ों का डिस्कवरी बहुत ही पिछले कुछ 100 सालों में ही, कुछ 100 हज़ार सालों में ही हुआ है, लेकिन जो वो चीज़ें बहुत सालों से हमारे पृथ्वी पे थी सब्सटेंस के रूप में, लेकिन हम लोगों ने उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोग अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं वो रिसोर्सेज जो हम लोगों ने नेचर से गेन किया है विथ सम मॉडिफिकेशन, जैसे कि लकड़ी। लकड़ी हम लोग नेचर से ही प्राप्त करते हैं और उससे बहुत सारे चीज़ बनती है, जैसे व्हील। व्हील उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया तो उस लकड़ी से व्हील बना और उससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी बना के करते हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जो भी मशीनरीज, ब्रिजेस, रोड्स, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है टू क्रिएट, टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज वो हुआ जो ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो हम लोग हैं और जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एबिलिटी है टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, तो हम लोग भी एक तरह से रिसोर्स हुए। तो वी आर
कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोगों ने सुना होगा, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में। एचआरडी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना बाई इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ द पीपुल, और हमारे देश के जो भी लोग हैं उनके नेचुरल स्किल्स को। रिसोर्स जो होती है। तो पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं वो रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। जैसे कि जो हवा हम लोग जिस जो सांस ले रहे हैं वो हवा भी एक रिसोर्स है, और वो एक नेचुरल रिसोर्स है। जो पानी हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। जिस मिट्टी में हम लोग अनाज उपजाते हैं और खाते हैं वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, और बहुत सारे मिनरल्स वगैरह सब नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जैक्ट भी यूज करते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ भी यूज करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जिसकी क्वांटिटी हम लोगों को मालूम है कि वो कितना अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। जैसे कि कोल, जर्मनी में कितना कोल का स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, जो यूज के लिए अवेलेबल है वो अमाउंट रिसोर्स का। तो कोल, जैसे कि जर्मनी में कोल कितना अवेलेबल है वो हम लोगों को पता है। झारखंड में भी, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी कोल के रिसोर्सेज रिजर्व्स हैं, तो वो भी हम लोगों को पता है कि कितना है। तो उसे एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और पोटेंशियल जो कि यूज़ में हो रहा है, मतलब एक्चुअल रिसोर्स का मतलब हुआ कि जो यूज़ में हो रहा है और हम लोगों का उसका क्वांटिटी पता है कि वो कितना अवेलेबल है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि जो पोटेंशियली हो सकता है, बहुत मात्रा में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि लद्दाख में यूरेनियम का रिजर्व है, तो वो उस रिजर्व में कितना यूरेनियम है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो डैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। और कुछ साल पहले तक हम लोगों को ये पता था कि विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं कोस्टल एरियाज में। तो कुछ साल पहले तक वो पोटेंशियल रिसोर्स था, मतलब हम लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है यूज़ में आगे जाके, बट कितना वो सक्सेसफुल होगा और कितना वहाँ यूज़ हो स कितना उससे रिसोर्स जेनरेट हो सकता है वो हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज के डेट में नेदरलैंड्स में, गुजरात में, तमिलनाडु में बहुत सारे विंड मिल्स स्टैब्लिश किए गए हैं, तो ये अब एक एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। अब ये एक्चुअल रिसोर्स बन गया है, कुछ साल पहले तक ये पोटेंशियल रिसोर्स था लेकिन अब ये एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स, बायोटिक ए बायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए गए होते हैं, और ए बायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए हुए होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, मतलब कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे अर्थ पे, उसके बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज एंड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब कि कुछ ही जगहों पे अवेलेबल है, कॉपर पूरे अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ही कंट्रीज में या हर कंट्री में, कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है। आयरन कुछ ही जगहों पे अवेलेबल है बहुत मात्रा में। लेकिन यूबिकेटस रिसोर्सेज का मतलब होता है कि यूनिवर्सल है ये रिसोर्स, मतलब कि अर्थ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हवा और वाटर। वाटर में भी कहीं कहीं नहीं भी मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट में, 99% पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वाटर मिल ही जाएगा, और एयर तो अर्थ के हर कोने में ही मिलता है। तो ये एक यूबिक्यूटस रिसोर्स हुआ। और उसके यूज के बेसिस पे जो हम लोगों को एक्चुअली में पढ़ना है, दो तरह से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो
दोबारा से यूज किए जा सकते हैं या दोबारा से अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे कि हवा, हवा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि सोलर एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जितना भी यूज कर लो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। हम लोग पानी को भी मान सकते हैं, फॉरेस्ट को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने केयरलेसली यूज़ किया तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी ख़त्म हो सकता है। जैसे कि वाटर क्राइसिस कई जगह, मतलब जो पीने लायक पानी है, नेचुरल वाटर रिसोर्स है, उसका कमी बहुत सारे जगहों पे आज वर्ल्ड में होने लगा है, क्योंकि हम लोगों ने केयरलेसली उसका यूज किया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग सोच रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग पानी का और इस्तेमाल दूसरा कर रहे है, हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिमिटेड स्टॉक है, वो बहुत कम मात्रा में और नोन मात्रा में, कि इतना ही है जो यूज हो सकता है, जैसे कि कोयला, मिनरल्स एंड मेनी थिंग्स, पेट्रोलियम, जो हम लोगों को पता है कि फॉसिल फ्यूल से बने हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड हैं और हमेशा चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सूरज की किरण कभी भी अर्थ पे ख़त्म नहीं हो सकती, वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसके लिमिटेड स्टॉक्स हैं और ये एग्जॉस्ट हो सकता है अगर हम लोगों ने केयरलेसली इसका इनफाइनाइट इस्तेमाल रिसोर्सेज किया। मतलब वो सब्सटेंस, वो नेचुरल सब्सटेंस जिसको हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करके एक ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं या रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आयरन ओर, आयरन ओर बहुत सालों से हमारे पृथ्वी पे है, लेकिन हम लोगों को उसका यूज़ नहीं पता था। जब तक हम लोगों ने उससे आयरन एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख लिया, तब वो एक रिसोर्स बन गया, तो वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हेल्प करता है किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो विच इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम लोग हैं उनको कहा जाता है पीपुल हु आर नॉलेजफुल स्किलफुल टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे कंट्री में एक मिनिस्ट्री भी है, HRD मिनिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो इंश्योर करता है कि हमारे पीपल्स की स्किल्स बढ़े और क्वालिटी ऑफ स्किल बढ़े, ताकि हम लोग मोर रिसोर्स क्रिएट कर सके। जितना ज़्यादा हम लोग हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्किलफुल होगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल सब्सटेंस को एक ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करना। हम लोग, हमारे पास बहुत अमाउंट है रिसोर्सेज का, लेकिन वो कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं, खुद को रिन्यू नहीं कर पाते हैं, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अपने आप को रिन्यू करने में टाइम लेते हैं। तो हमारा अगर केयरफुल यूज़ नहीं रहेगा रिसोर्सेज को लेके, तो वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक नया टर्म हम लोगों को डिफाइन किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी रिसोर्स को बहुत ही केयरफुली यूटिलाइज करना, ताकि हमारे प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो और फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचाए जा सके, यानी
हम लोगों को खुद का ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ आगे फ्यूचर जेनरेशन का भी सोचना है कि फ्यूचर जेनरेशन क्या करे, क्या कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगी। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे तरीके इंश्योर किए गए हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। जैसे हम लोग किसी रिसोर्स को रीयूज करें, रिसाइकल करें, हम अपने कंजप्शन को घटाएं और एक चेंज क्रिएट करें। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कि हर फॉर्म ऑफ लाइफ का केयर करना है, आगे का हो या हमारा जेनरेशन हो, सबका केयर करते हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ह्यूमन लाइफ और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो अर्थ की डाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करे हुए रहना है, ऐसे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि हमारी अर्थ की डाइवर्सिटी पे अफेक्ट ना हो। हमारा पर्सनल एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके। हम लोगों को एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना है साथ साथ में, और कम्युनिटीज को भी अपने अपने एरिया के एनवायरनमेंट का ध्यान देना है कि हमारे एरिया में ज़्यादा पेड़ नहीं कट रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिक्कत नहीं हो रही है। ये सब प्रिंसिपल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो हम लोगों को हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ध्यान देना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल रहें, जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे लाइफ की वो कंजर्व रखे रहे, और इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसको जो डैमेज हम लोग पहुंचा रहे हैं बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, उसको भी कंजर्व किया जा सके। तो यही था हमारा चैप्टर द रिसोर्सेज। हम लोगों ने इसमें रिसोर्सेज के बारे में जाना, जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है रिसोर्स पे वो जाना, रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस, ऑन मेनी बेसिसेस। फिर हम लोगों को रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए वो हम लोगों ने जाना, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जाना कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, और क्वेश्चन आंसर खुद से सभी को करना है, और कुछ दिनों में इसके आंसर्स आपको भेजे देंगे।